Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new chapter of your class 8th English book that is Literary Journeys by Brainroot Publication. And today we shall begin with lesson number 4. The title of the lesson is Pushing Limits on the Sports Field. So in this chapter children, we are going to study how the people who are disabled or differently abled have marked their names in the field of sports. कई बार क्या होता है लाइफ में किसी हादसे की वजह से कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें कोई शारीरिक कमी हो जाती है. जैसे कई बार होता है कि किसी एक्सीडेंट में किसी का पैर इंजर्ड हो जाता है और उसकी जान बचाने के लिए पैर काटना पड़ जाता है या हाथ काटना पड़ जाता है या फिर कोई और किसी तरह की हमारे बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. तो लोग यूजुअली ऐसे लोगों को कंसिडर ही नहीं करते. लोगों को लगता है कि ये तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता. लेकिन जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं ना, उनके मन में एक तीव्र इच्छा होती है कि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह ही ज़िंदगी जिए. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे स्पोर्ट्स का फील्ड. स्पोर्ट्स में ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने कुछ ना कुछ कमी होने के बावजूद अपना नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है. और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है बचेंद्री पाल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ डिसेबिलिटी इज़ अ फिजिकल, इकोनॉमिक और मेंटल चैलेंज दैट अ पर्सन मे फेस इन हिज डे टू डे लाइफ. हाउएवर देर आर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली डिस्पाइट बींग डिफरेंटली एबल्ड. The sports field is replete with examples where differently abled persons have striven against all odds and pushed their limits to achieve great success. तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स यानी खेल कूद का जो एरिया है वो एक ऐसी जगह है जहाँ कई लोगों ने अपना लोहा मनवाया है. कई लोगों ने ये प्रमाणित किया है कि उनकी जो लाइफ की बाधाएँ हैं या जो चैलेंजेस हैं वो उसे ओवरकम करके अपना नाम जो है दुनिया में रोशन कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टडी द स्टोरी ऑफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स, दैट इज द स्टोरी ऑफ बचेंद्री पाल. एवरेस्ट अ जर्नी टू द टॉप. ऑन 23 May 1984, 29 ईयर ओल्ड बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. She was interviewed by newspapers and TV channels in which she shared the stories of her Everest expedition. Here is an inspirational talk about how and why one should pursue one's life's passion. तो बचेंद्री पाल वो पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा. पहली भारतीय महिला. और ये अचीवमेंट उन्होंने कौन से साल में किया, जब वो 29 ईयर्स की थी. ठीक है, 29 साल की थी और 23 May 1984 में उन्होंने ये अचीव किया. जाहिर सी बात है, जब उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की तब लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया होगा, वो काफ़ी फेमस हुई होंगी. तो उस थी इंटरव्यू का एक पोर्शन आज हम चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे जहाँ उन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल और प्रेरणादायक बातें की हैं. तो आइए पढ़ते हैं. The question is, what motivated you to take up the mountaineering in the first place? जो इंटरव्यूअर है उसने बचेंद्री पाल से पूछा कि ऐसा क्या था जिसने आपको माउंटेन पे चढ़ने की प्रेरणा दी, या आपके मन में ये इच्छा कहाँ से आई. I was a very good sports person. However, growing up, my first priority was completing my education. Other than this, I was always very restless and proactive. I was always very fond of the outdoors. Mountaineering was a part of my lifestyle. I was born and brought up in mountains. Bachendri Pal comes from a small village in Uttarkashi, a town in the state of Uttarakhand. So, Bachendri Pal se jab interview ne pucha ki kya cheez aisi hai jisne aapko motivate kiya ki aap Everest ki chadhai karne ke liye nikal padi, tab unhone kaha कि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स के मामले में हमेशा आगे रही हूँ. स्पोर्ट्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और मैं बचपन से काफ़ी एक्टिव फुर्तीली बच्चों में से आती हूँ जो हर टाइम कुछ ना कुछ गेम्स खेलते रहते हैं. और क्योंकि मैं खुद माउंटेन से बिलोंग करती हूँ, मैं माउंटेन यानी पहाड़ों में मेरी
जो है ग्रोथ हुई है, मैं बड़ी पली बड़ी पहाड़ों की गोद में हूँ, इसीलिए पहाड़ हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं और पहाड़ चढ़ना मेरे लिए रूटीन टास्क है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बचेंद्री पाल एक छोटे से गांव उत्तरकाशी में बड़ी हुई थी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। एंड उत्तराखंड बेल्ट जो है वो पूरा का पूरा कैसा है, वो कम्प्लीटली हिल्स और माउंटेन से घिरा हुआ है, यानी पहाड़ और अलग अलग तरह के छोटे बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है। इसीलिए बचेंद्री का बचपन जो है वो पहाड़ों के बीच हमेशा बीता और उन्हें पहाड़ चढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग टू बी अ टीचर आई स्पेंट द ईयर एट होम डूइंग नथिंग ओनली लुकिंग फॉर अ जॉब दैट आई वॉन्टेड। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आई मेट कर्नल प्रेमचंद अ रिनाउंड माउंटेनियर। He was visiting the village and when he met me, he asked me to stop wasting my time. अब बचेंद्री ने बताया कि हालांकि वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन बचपन से ही उन्हें पता था कि पढ़ना लिखना भी उतना ही ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो एक साल तक घर पर ही थी, उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया और उसके बाद जॉब ढूंढती रही, लेकिन एक साल तक उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कर्नल प्रेमचंद से, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध माउंटेनियर हैं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो आमूमन पहाड़ों पे चढ़ते हैं। ऑलराइट, तो जब कर्नल प्रेमचंद ने बचेंद्री के साथ बातचीत की तो उन्होंने बचेंद्री से कहा कि तुम अपना समय इस तरह से बर्बाद मत करो, इसे किसी अच्छे काम में यूटिलाइज करो, इस समय का सदुपयोग करो। He told me about the famous Nehru Institute of Mountaineering in Uttarakhand. He said, "You are living right next to the place that so many people visit from across the world to get trained in mountaineering." This made me feel like I had become a little complacent, and that was all I needed, someone to point out my weakness so that I could mend it and make it my strength. So immediately कर्नल प्रेमचंद ने बताया कि तुम्हारा घर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो तुम्हारे घर से इतना पास है, पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं कि कैसे पहाड़ पे चढ़ना चाहिए, क्योंकि पहाड़ चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। जब बड़े बड़े एडवेंचरस एक्सपीडिशंस पे लोग निकलते हैं तब काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई जो है वो ख़तरनाक होती है और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे घर के इतने नज़दीक इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है तो तुम बैठ के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, दूर दूर से लोग इसे सीखने आते हैं, तुम्हारे पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, व्हाई डोंट यू यूज़ इट। तब उन्हें लगा, बचेंद्री को लगा कि बात तो बिल्कुल सही है, कर्नल प्रेमचंद ने जैसे मानो उनके मन में कोई दबी हुई इच्छा को चिंगारी दे दी। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को हवा दे दी एक तरह से, उनको इसी चीज़ की ज़रूरत थी कि कोई उन्हें उनकी वीकनेस के बारे में थोड़ा सा अवगत कराए, और जो कि कर्नल प्रेमचंद ने किया। कर्नल प्रेमचंद ने कहा कि बैठे बैठे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा तुम इस टाइम को किसी अच्छे काम में लगाओ, तो माउंटेनियरिंग अच्छे से ट्रेनिंग करो, सीखो और उसमें अच्छे से जो है रेडी हो जाओ। हाउ डिड योर फैमिली रिस्पॉन्ड टू योर डिसीजन टू टेक अप माउंटेनियरिंग? अब माउंटेनियरिंग इज़ अ डेंजरस स्पोर्ट, ठीक है, कभी कभार एक दो छोटे मोटे पहाड़ों पे चढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि घूमने गए ट्रैकिंग पे निकल गए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो लोग एक्चुअली पैशनेटली प्रॉपर तरीके से माउंटेनियरिंग को फॉलो करते हैं वो काफ़ी रिस्की एक्सपेडिशंस में निकलते हैं और इसीलिए कई बार जो है फैमिली मेम्बर्स इसके लिए रजामंदी नहीं देते। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको आपके फैमिली मेम्बर्स ने अलाउ कैसे कर दिया पहाड़ चढ़ने के लिए। When I was selected for my Mount Everest expedition, my family, of course, did not seem very positive. They thought I was pursuing a very far-fetched dream. Everest to them was synonymous with risk, death and hardship. तो बचेंद्री ने बताया कि जब उनके परिवार को पता चला कि वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जा रही हैं तब वो लोग भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहे थे।
उनके लिए एवरेस्ट चढ़ना मतलब खतरे को न्योता देना। एवरेस्ट कोई मामूली पहाड़ तो है नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर है। वहाँ का रास्ता काफ़ी खतरनाक है और कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जो लोग उसको चढ़ाई करने गए हैं उनका पैर फिसल गया है या उनका कोई हादसे में डेथ हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स इसके बारे में उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली नो वेयर इन अवर एजुकेशन सिस्टम वी आर टॉट टू कन्वर्ट अ हार्डशिप इनटू अ चैलेंज एंड ओवरकम इट, बट आई वॉज स्टबर्न एंड डिटरमाइंड। I never thought about taking up mountaineering as a career option, but I didn't want to let any opportunity slip out of my hands. तो बचेंद्री ने बताया कि ये हमारे शिक्षा क्षेत्र का एक कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि शिक्षा क्षेत्र में हम जो चैलेंजेस है उसको अवॉइड करने की जगह उनको फेस करना नहीं सिखाते। कई बार क्या है, हम अपने चैलेंजेस को अनदेखा कर देते हैं या चैलेंज आते आते हम उससे डर के पीछे हट जाते हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि अगर चैलेंज आया है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसे ओवरकम करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम तो आएंगी ही, लेकिन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचेंद्री ने कहा, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को, इस डर को ही अपना जो है स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की और मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ इस तरह का काम करूं कि किसी भी तरह मुझे परमिशन मिल जाए और मैं जो है माउंटेनियरिंग को चैलेंज की तरह ही एक्सेप्ट कर लूँ। However, tackling the family and society was a big challenge. All I used to hear around me was, what will you achieve by climbing a mountain? अब बचेंद्री का कहना था कि हालांकि मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि किसी भी तरह मैं माउंटेन क्लाइंब करूँगी, एवरेस्ट पे ज़रूर जाऊँगी, लेकिन मुझे सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ही कम थे। इनफैक्ट इनिशियली यानी शुरू आती दौर में लोगों ने उनको बार बार एक ही सवाल पूछा कि लड़की होकर पहाड़ पे चढ़ने का क्या मतलब है और दूसरी बात क्या करोगी, पहाड़ पे चढ़ने से ऐसा क्या मिल जाएगा, इससे अच्छा तो तुम कोई और काम करो जिससे तुम्हें सैलरी भी मिले, तुम्हारा नाम भी हो, पहाड़ पे चढ़ने से थोड़ी तुम्हारा नाम होगा। When and where was your first climb? अब उनसे तीसरा सवाल पूछा गया कि कब और कहाँ आपने अपना पहला क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन स्टार्ट किया था। The first peak I climbed happens to be my favorite. When I was doing the female only advanced mountaineering course at Nehru Institute of Mountaineering, I climbed a peak in Uttaranchal called Black Peak, which is at the end height of 6,387 meters. It was during the time I was still training and the amount of appreciation I received for my technique and stamina was exceptional. तो बचेंद्री ने बताया कि जब वो नेहरू इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रही थी उस दौरान उन्होंने एक माउंटेन की चढ़ाई की थी जो कि उत्तरांचल में है और जिसको ब्लैक पीक के नाम से जाना जाता है। और जब उन्होंने इस शिखर पे चढ़ाई की तब उनका स्टैमिना, उनका हौसला, उनकी टेक्निक्स, ये सब देख के बाकी लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी और ये उन्हीं प्रशंसाओं और उन्हीं तारीफों का बाद में उन पर असर हुआ कि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं एवरेस्ट को भी जीत के ही रहूँगी। आई वॉज वन ऑफ द टू गर्ल्स हु वर सिलेक्टेड टू क्लाइंब द लोअर कैंप राइट अप टू द पीक। द रेस्ट ऑफ द क्लाइंबर्स वर आस्क्ड टू पिच अ कैंप एट द इंटरमीडिएट पॉइंट। इट वॉज अ फुल प्लेज टेस्ट ऑफ माई एंड्योरेंस। तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरी एक साथी महिला, हम दोनों को ये कहा गया था कि पीक के निचले हिस्से पर कैंप बनाने के लिए और बाकी लोगों को उसके मिड पॉइंट पर यानी इंटरमीडिएट पॉइंट पर जाना था, ठीक है। और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था और इसी ने जो है मेरा पेशेंस, मेरी सहनशीलता, मेरा धैर्य टेस्ट किया। In the initial stages, did you face challenges accessing training and procuring equipment? अब next सवाल उनसे ये पूछा गया कि जब आप training के लिए गई तब शुरू शुरू में क्या आपको कई सारी समस्याएं आईं, जैसे कि equipments खरीदना या training के लिए लोगों के साथ बातचीत करना, इन सब चीज़ों में क्या आपने कोई या किसी तरह की समस्या face की? I think these challenges existed then and are still prevalent. But my experience tell me that these hurdles are not very prominent.
when compared to the mental challenge one has to conquer. तो बचेंद्री बोलती हैं कि ये कुछ ऐसे challenges हैं जो कि हमेशा ही रहे हैं, पहले भी थे, और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो लोग आज या अब माउंटेनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चैलेंजेस उनको भी आते होंगे. लेकिन ये चैलेंजेस देखने में बड़े लगते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे मन में और हमारे दिमाग में जो चैलेंज चल रहा होता है कि हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि हम बिल्कुल सक्सेसफुली किसी शिखर पर चढ़ाई कर दें, ये चैलेंज उन चैलेंजेस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. ये छोटे मोटे चैलेंजेस तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं. I feel that was a time when Indian women still had a lot to prove. There were not very many role models of examples of successful expedition that women had undertaken. And to add that, I had lesser than 3 years of experience when I climbed Mount Everest. As girls, we were taught that boys are stronger than us. These kinds of stereotypes were always very pronounced. अब बचेंद्री ने अपने जो माउंटेनियरिंग का दौर है उसको याद करते हुए बोला कि जब मैं माउंटेनियरिंग कर रही थी या जब मैंने एवरेस्ट चढ़ने की ठानी थी, उस जमाने में लड़कियों को इस फील्ड में इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, यानी लड़कियों की इतनी पहचान नहीं थी, क्योंकि इस बारे में बहुत कम लड़कियाँ जानती थी, और जो थोड़ा बहुत लोगों को पता भी था वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते थे. जैसे बचेंद्री के फैमिली मेंबर्स डरे हुए थे, वैसे ही यूजुअली लड़कियों के जो परिवार के लोग हैं वो लोग लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक देते थे, क्योंकि सोसाइटी में ये मानना था कि एक मेल या एक बॉय एक लड़की से या एक गर्ल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. लड़कियाँ इतनी स्ट्रांग नहीं है कि पहाड़ चढ़ने जैसा काम वो कर सके. While I was submitting Everest, the expedition team consisted of 6 women and 13 men. It's true that not all the women made it to the top, but even some of the men couldn't scale at the higher altitudes. The success or failure of any mountaineer is definitely not determined by the gender. In fact, I would like to add that I could reach the top because of the support of the training of all the members. I owe my success to all of them. Further, बचेंद्री बताती हैं कि जब वो शिखर पर चल रही थी, देखो माउंटेन एक्सपेडिशन पे कभी भी कोई एक जना नहीं जाता, हमेशा टीम जाती है ताकि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें, एक दूसरे की मदद कर सकें. तो जो पूरी टीम गई थी उसमें 13 लड़के थे और 6 लड़कियां थीं. बचेंद्री याद करती हैं जब अपने पुराने दिनों को, तब वो बोलती हैं कि ये ज़रूर है कि वो 6 की 6 लड़कियां शिखर तक पहुंच नहीं पाई थी, पर ये भी उतना ही सही है कि बाकी के जो लड़के थे वो भी सब लोग एवरेस्ट तक नहीं पहुंच पाए थे, कई लड़के भी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाए थे. हार या जीत का जेंडर से या लिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है. हार जीत कम्प्लीटली आपके कॉन्फिडेंस, आपकी टेक्निक्स और आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है. और उनका कहना है कि उनकी जीत का श्रेय वो अपनी पूरी टीम और अपने ट्रेनर्स को देना चाहेंगी, जिन्होंने उन्हें इतनी बेहतरीन तालीम दी, इतनी बेहतरीन तरीके से सिखाया कि वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुँच पाएं. Why were you the one who undertook the climb that day? अब उनसे पूछा गया कि आप उन सब में से वो एक क्यों हैं कि उस दिन उतने खतरे में भी आपने पहाड़ चढ़ने का मन बना लिया. I got up at 4 in the morning, melted snow and made my tea. After a light breakfast of a few biscuits and a half a slab of chocolate, I left my tent at around 5:30 a.m. And Dorji was standing outside. No one else was about at that time. उन्होंने बताया कि उस दिन का जब उन्होंने याद करती हैं तो वो बोलती हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, मैंने थोड़ा सा एक चॉकलेट खाया, थोड़ी सी चाय पी, और उसके बाद धीरे धीरे ब्रेकफास्ट में थोड़े से बिस्किट्स खाए और धीरे धीरे अपना टेंट छोड़ दिया 5:30 बजे. जब मैं अपने टेंट से बाहर आई तो एंग डोरजी मेरे लिए वेट कर रहे थे. What time did you start? तो उन्होंने बोला we started at 6:20, यानी 6:20 पर हम लोगों ने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट कर दी थी. Why did you start so early?
साथ में पूछा कि आप दोनों ने अपनी जो यात्रा है वो इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट की. एंड डोरजी वॉज ग्लोइंग टू क्लाइंब अप विदाउट ऑक्सीजन. हिज फीट वुड गेट वेरी कोल्ड. ही हैड देयरफॉर टू ईदर गेट टू द पीक एंड बैक टू द साउथ पोल एट द सेम डे और गिव अप द अटेम्प्ट. तो एंग डोरजी जो हैं वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले थे और उनको काफ़ी टाइम लगने वाला था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चले जाते हैं ऑक्सीजन घटने लगता है. तो यू नीड अ लॉट ऑफ स्टैमिना, आपको बहुत ज़्यादा स्टैमिना की ज़रूरत होती है. तो उनका कहना था कि एंग डोरजी के पास ये लास्ट अटेम्प्ट था, अगर वो इस बार भी अटेम्प्ट फेल कर जाते तो फिर शायद वो कभी भी दोबारा नहीं जा पाते, ये अटेम्प्ट तो उनका वेस्ट हो जाता. तो क्योंकि वो भी मेरे साथ थे तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट किया. ही वॉज कीन टू स्टार्ट इमीजिएटली एंड आस्क्ड इफ आई वुड लाइक टू गो विद हिम. आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इन एंग डोरजी एज वेल एज इन माई स्टेमिना एंड क्लाइंबिंग केपेबिलिटी. तो एंग डोरजी ने उनसे पूछा कि क्या बचेंद्री तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, और बचेंद्री ने भी एकदम से हाँ कर दिया क्योंकि उन्हें फुल कॉन्फिडेंस था कि वो आराम से धीरे धीरे करते करते ज़रूर चोटी तक पहुँच जाएंगी. हाउ वॉज द क्लाइंब, अब ये जो चढ़ाई थी ये कैसी थी. When एंग डोरजी एंड आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम द साउथ कोल, इट वॉज अ परफेक्ट डे. दो द कोल्ड वॉज इंटेंस, देर वॉज अ जेंटल ब्रीज. आई वॉज हाउ एवर वॉर्म इन माई वेल इंसुलेटेड क्लाइंबिंग गियर. वी क्लाइंब्ड अप्रोप्ड. एंग डोरजी सेट अ स्टेडी प्लेस बट आई हैड नो डिफिकल्टी कीपिंग अप विद हिम. उन्होंने बोला जाहिर सी बात है कि जिस वक्त हम जर्नी कर रहे थे और एवरेस्ट के पास तो चारों तरफ स्नो ही स्नो है, बर्फीले पहाड़ हैं, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि हमने इंसुलेटेड जैकेट्स पहने हुए थे तो इसीलिए हमें ठंड नहीं लग रही थी, हमने ठंड से खुद को बचाया हुआ था. एंग डोरजी की स्पीड काफ़ी अच्छी थी और मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही थी. इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. द स्टीप फ्रोजन स्लोप्स वर एज हार्ड एंड ब्रिटल एज द शीट्स ऑफ ग्लास. वी हैड टू यूज़ द आइस एक्स एंड हैड टू किक रियली हार्ड टू गेट द फ्रंट टीथ ऑफ द कैंप्रॉन्स टू बाइट इन टू द फ्रोजन सर्फेस. आई टुक एवरी स्टेप वेरी केयरफुली ऑन द डेंजरस स्ट्रेचेस. साथ ही बचेंद्री ने बोला जो चढ़ाई थी वो काफ़ी खड़ी थी, स्लोप जो था वो काफ़ी स्टीप था और गहरा था, हल्की सी चूक और किसी की भी जान जा सकती थी, और काफ़ी इसीलिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी. काफ़ी हार्ड लेयर ऑफ बर्फ थी जिसको धीरे धीरे तोड़ते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू क्लाइंब, कितना टाइम लगा आपको चढ़ाई चढ़ने में. इन लेस देन 2 आवर्स वी रीच द साउथ कैंप. एंग डोरजी लुक बैक एंड आस्क्ड इफ आई वॉज टायर्ड. आई रिप्लाइड नो टू हिज सरप्राइज एंड डिलाइट. तो ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे में वो लोग साउथ कैंप पहुँच गए थे और एंग डोरजी ने बचेंद्री से पूछा कि क्या वो टायर्ड है, तब बचेंद्री ने कहा नहीं. तो एंग डोरजी थोड़ा सरप्राइज भी हो गए और खुश भी हो गए क्योंकि बिना रुके अब वो आगे बढ़ सकते थे. ही टोल्ड मी दैट द अर्लियर समिट पार्टी हैड टेकन 4 आवर्स टू रीच द समिट कैंप एंड इफ वी कुड कीप अवर करेंट पेस वी वुड बी ऑन द समिट बाय 1 PM. तो एंग डोरजी ने बताया कि इससे पहले जो लोग आए थे, हमसे पहले जो टीम आई थी, उसको यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे लगे थे. तो हमने ऑलमोस्ट आधे समय में जो है अपनी चढ़ाई पूरी की है और अगर इसी स्पीड से हम आगे बढ़े तो डेफिनेटली 1 बजे तक हम लोग शिखर पर पहुँच जाएंगे. डिड यू ओनली एंड एंग डोरजी मेक द क्लाइंब दैट डे. तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या आप दोनों ही सिर्फ उस दिन क्लाइंब कर रहे थे या आपके अलावा भी कोई था. नो लातू डोरजी अ टीम मेंबर, मतलब हमारी टीम में से एक और इंसान लातू डोरजी वॉज फॉलोइंग अस एंड कॉट अप विद अस व्हेन वी रेस्टेड बिलो द साउथ समिट. यानी वो भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे और जब हम रेस्ट करने के लिए रुके थे तब वो हम तक पहुँच के उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया. आफ्टर ड्रिंकिंग सम टी वी मूव्ड ऑन. लातू हैड ब्रॉट अ नाइलॉन रोप सो एंग डोरजी एंड आई रोप्ड व्हाइल लातू वॉक्ड इन द मिडल. More for balance than security. So, उन्होंने बोला कि लातू अपने साथ एक नायलॉन रोप लेके आए थे, तो लातू को हमने बीच में रखा और मैं और एंग डोरजी आगे पीछे थे. ये इसलिए किया गया ताकि हम अपना बैलेंस मेंटेन कर सकें और चढ़ाई के वक्त किसी का भी पैर स्लिप ना हो और कोई भी
नीचे ना गिरे. What problems did you face on the climb? How did you deal with them? अब फिर से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप जब चढ़ रही थी आपको क्या क्या चैलेंजेस आए या किस तरह की परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ी और इन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया. I was having some difficulty with my breathing. मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. Lato noticed that I had been climbing with oxygen at about 2.5 liters per minute against the normal 4 for these hikes. After he increased the oxygen flow in my regulator, I found even the steeper stretches comparatively easier. Beyond the south summit, the breeze increased at the height. The eddies of the strong winds whipped up the powder snow, reducing visibility to nil. तो उन्होंने बोला जब मैं इनिशियली चढ़ रही थी तब मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आई. और ये चीज़ किसने नोटिस की? ये लातू ने नोटिस की कि मैं जो ऑक्सीजन का रेगुलेटर है वो मैंने बहुत कम कर रखा है, इसीलिए ऑक्सीजन फ्लो ठीक से नहीं आ पा रहा. उसने जब ऑक्सीजन के रेगुलेटर को बढ़ाया और फ्लो जो है वो बढ़ गया, तब मैंने आसानी से जो है पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया. इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे हम साउथ समिट की तरफ बढ़ रहे थे, बर्फीली हवाएं भी बढ़ रही थी और एक टाइम के बाद बर्फीली हवाएं इतनी तेज़ हो गई कि हमें हमारी जो विजिबिलिटी है यानी देखने की जो क्षमता है वो भी कम होने लगी, क्योंकि तूफान इतनी तेज़ या हवाएं इतनी तेज़ था कि आर पार देखना भी मुश्किल हो रहा था. On many occasions, I had to get into a crouching position with my back to onslaught of the icy winds, slotted with fine particles of bone dry powder snow. तो उन्होंने कहा कि कई जगहों पे तो मुझे बिल्कुल दब के बैठ जाना पड़ता था ताकि जो विंड का अटैक है या जो वो पाउडर्ड स्नो है जो उड़ रही थी वो हमें अटैक ना कर सके, क्योंकि अगर वो हमें अटैक करेगी तो हमारी विजिबिलिटी में इश्यूज़ हो जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. It was terrifying to stand erect on a knife edge ridge with a sheer drop on either side. I had to dig my ice axe deep and secure myself by attaching the waist strap to the ice axe head. There was some tricky climbing between the south summit and what is popularly known as Hillary Strip. अब सभी को पता है ना कि Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first person to climb Mount Everest. राइट तो ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं जो इन दोनों के नाम से फेमस है. एक ऐसा ही डेंजरस सा स्पॉट है जिसको हिलेरी स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है. तो उन्होंने बताया कि जब मैं हिलेरी स्ट्रिप को चढ़ रही थी, मतलब उसको पार कर रही थी, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा खतरा था. दोनों तरफ ऑलमोस्ट खाई थी और हल्का सा भी अगर मेरा पैर इधर से उधर स्लिप होता तो मैं सीधे एक्सीडेंट हो जाता और मैं खाई में जाकर गिर जाती. इसीलिए मुझे जो अपना आइस एक्स था उसको बर्फ़ में कस के दबा के रखना पड़ा ताकि मेरा बैलेंस ना बिगड़े. एंड डॉर्जी एंड लातू वर ऑलरेडी ओवर इट बट आई वॉज स्टिल क्लाइंबिंग इट्स वर्टिकल फेस व्हेन एंड डॉर्जी जेस्चर्ड टुवर्ड्स द टॉप. आई वॉज थ्रिल द गोल वॉज नियर विद रिन्यूड विगर आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप्स इन सेकेंड्स. द सन हैड मेड द स्नो सॉफ्ट एंड द क्लाइंबिंग वॉज ईजियर हेयर देन इट हैड बी अर्लियर. इसी दौरान एंग डॉर्जी और लातू थोड़ा और आगे बढ़े और उन्होंने पीछे से जो है बचेंद्री को इशारा करते हुए दिखाया कि वो देखो हम शिखर के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं. जब बचेंद्री ने शिखर को देखा तो उनके मन में जो है जीत की भावना और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने फिर से पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया. जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए धीरे धीरे सूरज की रोशनी की वजह से जो स्नो था वो भी काफ़ी सॉफ्ट होता चला गया और सॉफ्ट स्नो पे क्लाइंब करना धीरे से इजी हो गया. मतलब पहले वो हार्ड सरफेस पे बर्फ़ को धीरे धीरे क्रश करते हुए या बर्फ़ में एक्स फंसाते हुए जा रहे थे, अब सॉफ्ट स्नो की वजह से इजीली वो क्लाइंब कर पा रहे थे. वी ट्रक्ड इनटू द हैवी पाउडर स्नो फॉर सम टाइम देन द ग्रेडियंट स्टार्टेड ईजिंग ऑफ नोटिसेबली. अ फ्यू स्टेप्स लेटर आई सॉ दैट ओनली अ कपल ऑफ मीटर्स देयर वॉज नो अपवर्ड क्लाइंब द स्लोप प्लंज्ड स्टीपली डाउन. और कुछ ही देर आगे बढ़ने के बाद थोड़ी सी दूरी पे देने के बाद उन्होंने देखा कि अब जो स्लोप कहीं नहीं था वो कम्प्लीटली एक खड़ी दीवार की तरह पहाड़ का एक हिस्सा है जिस पे चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है. माई हार्ट स्टूड स्टिल आई इट डॉन्ड मी दैट सक्सेस वॉज विद इन रीच. At 1:07 p.m. on 23rd May 1984, I stood on the top of Mount Everest. So finally, जो लोगों ने सोचा था कि
अचीवेबल नहीं है। फाइनली बचेंद्री ने वो चीज़ अचीव कर ली, वो पहली भारतीय महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच पाई। देर वॉज हार्डली एनफ प्लेस फॉर टू टू स्टैंड साइड बाई साइड ऑन द टॉप ऑफ द एवरेस्ट कोन। थाउजेंड्स ऑफ मीटर ऑफ द नियर वर्टिकल ड्रॉप ऑफ ऑल द साइड्स मेड सेफ्टी अवर फोरमोस्ट कंसिडरेशन एंड वी फर्स्ट एंकर्ड अवर सेल्फ सिक्योरली बाई डिगिंग अवर आइस एक्सेस इन टू द स्नो। That done, I sank on my knees and putting my forehead on the snow, kissed the Sangamatha crown. Sagarmatha crown, Sagarmatha इसीलिए बोलते हैं हिमालय के शिखर को कि सागर के ऊपर है ना, इसीलिए सागरमाथा बोलते हैं। तो उन्होंने सागरमाथा क्राउन को चूमा और फिर जो है उन्होंने एक अजीब सी अद्भुत सी खुशी और शांति महसूस की। जब हम कई महीनों से किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और वो चीज़ हमें एकदम से मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होती है, तो सेम बचेंद्री को भी फील हुआ। एट दिस मोमेंट ऑफ जॉय माई थाट्स वेंट डाउन टू माई मदर एंड फादर। एज आई रोज आई फोल्डेड माई हैंड्स एंड बोड रेस्पेक्ट टू एंग डोरजी माई रोप लीडर हु हैड एनकरेज्ड आई एंड लेड मी टू माई गोल। आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सेकेंड एक्सेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। तो एंग डोरजी से पहले भी चढ़ाई कर चुके थे पर उन्होंने इस बार चढ़ाई की थी बिना ऑक्सीजन के, जो कि अपने आप में चैलेंजिंग था। तो बचेंद्री ने उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनका भी धन्यवाद किया कि आज कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही बचेंद्री बहुत ही आराम से माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुँच पाई हैं। ही एम्ब्रेस्ड मी एंड विस्पर्ड इन माई ईयर यू क्लाइम गुड वेरी हैप्पी दीदी। A little later, Sonam Puzzler, another member of the team, arrived and began taking photographs. और इसके बाद कुछ ही देर बाद हमारे कुछ टीम मेंबर्स तो फॉलो कर ही रहे थे, उनमें से एक थी सोनम पजलर, वो वहाँ पर पहुँची और उन्होंने फोटोग्राफ्स लेने शुरू किए। By then, Latu had given the news of four atop Everest to our leader. The walkie-talkie was then passed to me. Colonel Kulhar was delighted with our success. After congratulating me, he said, I would also like to congratulate your parents for your unique achievement. He added that the country was proud of me and that I would return to a world quite different from the one I had left behind. So, finally kya hua? Finally, Bachendri ke jo baki team members hai, especially Latu, unhone walkie-talkie pe apne जो गाइड थे, जो मेंटर थे या टीम लीडर थे कर्नल कुलहर, उन्हें फ़ोन किया कि वो चारों एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच चुके हैं। कर्नल कुलहर ने सभी को बधाई दी और स्पेशली बचेंद्री से बात करते हुए बोला कि बचेंद्री ने हिस्ट्री क्रिएट की है, उन्होंने इतिहास बना दिया है। और ये सिर्फ ना उनके लिए गर्व की बात है बल्कि उनके माता पिता के लिए भी उतने ही गर्व की बात है। उन्होंने बचेंद्री को याद दिलाया कि आज जो तुम एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई हो, जब तुम नीचे आओगी तो तुम्हें एक नई दुनिया मिलेगी। जो दुनिया तुम पीछे छोड़ के गई हो, जो क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जो ये सोच रही थी कि क्या एक लड़की इतना डेंजरस काम कर सकती है, वही दुनिया अब तुम्हारी तारीफ करेगी। वी समिटर्स एम्ब्रेस्ड एंड थम्ड वन अनदर्स बैक। नेपालीज, इंडियन एंड फॉर माई सेक द NFN दैट इज सेवन सिस्टर एंड डिस्को फ्लैग्स वर होस्टेड एंड फोटोग्राफ्ड। वी स्पेंट 43 मिनट्स ऑन द समिट। मतलब वहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट 43 मिनट्स जो हैं बिताए। द टावरिंग जाइंट्स लोच नुक्टीज एंड मलाकू वर ड्राफ्ट बाई अवर माउंटेन्स। I collected a few samples of stone from the bare patch near the peak. अब हर जगह जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ memories लेके आते, तो उन्होंने भी थोड़े बहुत वहीं से stones gather किए। We started our downhill journey at 155. और अब वापस नीचे उतरना, सिर्फ चढ़ना ही important नहीं है, नीचे उतरना भी उतना ही important है safely। तो वापस की journey उन्होंने 1:55 PM पर स्टार्ट की। सो चिल्ड्रन, नाउ वी आर डन विद पार्ट वन एंड नाउ वी प्रोसीड टू अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अनदर माउंटेनियर। तो शुरू करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू इज अरुणिमा सिन्हा, नो पीक इज टू हाई। ऑलराइट, दिस इज द पिक्चर ऑफ अरुणिमा सिन्हा एंड एज यू कैन सी शी इज स्टैंडिंग अमिस्ट द माउंटेन पीक्स। Firm resolve can work wonders. Meet Arunima Sinha, the first female amputee to climb Mount Everest.
अरुणिमा सिन्हा कौन है? बचेंद्री पाल तो पहली महिला है, भारतीय महिला, जिन्होंने बेसिकली माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। अरुणिमा सिन्हा पहली ऐसी भारतीय महिला है जिनका पैर एम्प्यूटेड है, यानी उनका शरीर का एक पार्ट कट चुका है, एम्प्यूटेड है, फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके दिखाया। तो आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। As she lay in the hospital bed with one leg amputated, Arunima Sinha took a vow that many would think impossible. Her goal from that day onwards was not just to walk with a prosthetic leg, but the scale, the highest point in the world, that is Mount Everest. अरुणिमा सिन्हा का एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ गया। एम्प्यूट का मतलब शरीर से अलग कर देना। उन्होंने तभी मन बना लिया हॉस्पिटल के बेड में लेटे लेटे ही कि वो कभी भी अपनी इस कमी को अपनी लाइफ में बाधा नहीं बनने देंगी। इंस्टेड वो आगे बढ़ेंगी और सबसे बड़ा जो विश्व का शिखर है उस पे चढ़ के दिखाएंगी, नकली पैर के सहारे। प्रोस्थेटिक लेग मीन्स नकली पैर लगा देना, ठीक है, ताकि लोग वॉक कर सकें। It was a feat which many would consider impossible that not only brought back her self-confidence but made her an inspiration for everyone back home. Even before the horrible accident which left her with an amputated leg, Sinha was a force to reckon with. So, Arunima ka accident hone se pehle bhi वो अपने जानने वालों में इसी दृढ़ निश्चय के लिए पॉपुलर थी। लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि अरुणिमा हिम्मत की मिसाल है और वो किसी भी चैलेंज को लेने से पीछे नहीं हटती। एज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर शी ऑलरेडी वॉज इन अ पोजिशन ऑफ एन इनडोमिनेबल स्पिरिट। तो अरुणिमा एक्चुअली कौन थी? वो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी। ऑलराइट, When a few robbers pushed her out of a moving train in 2011, resulting in her getting seriously injured, she decided that she would not cower down but fight back. वो किसी वजह से ट्रेन जर्नी कर रही थी 2011 में, जब कुछ रॉबर्स, कुछ लुटेरों ने उनके साथ छीना झपटी करते हुए उनको ट्रेन से धक्का मार दिया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और इसी एक्सीडेंट में उनका एक पैर जो है उन्हें गंवाना पड़ा। और उन्होंने तभी ये निश्चय कर लिया कि वो अपनी इस कमी को कभी भी अपनी ढाल नहीं बनाएंगी, बल्कि वो इस कमी से आगे बढ़ के दिखाएंगी। आई वॉज एन एम्प्यूट नाउ एंड पीपल वर लुकिंग एट मी विद पिटी इन देयर आईज। जब लोगों ने जाना कि अरुणिमा विकलांग हो चुकी हैं या उनका एक पैर नहीं है, तो सभी लोग उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी के साथ पेश आने लगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके साथ दया की तरह देखने लगे कि है क्या होगा, बेचारी लड़की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, आगे कुछ नहीं कर सकती, स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी थी लेकिन अब खेल नहीं सकती, लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। आई डिसाइडेड देन दैट देयर दैट आई वुड डू समथिंग टू प्रूव माई सेल्फ। और यही वो बातें थी जिसने अरुणिमा को शक्ति दी। उन्होंने तय कर लिया कि जो लोग आज उनको दया दिखा रहे हैं वो उन्हें प्रूव करके रहेंगी कि उन्हें किसी की दया की ज़रूरत नहीं है, और आज भी वो बिल्कुल एक आम जिंदगी जी सकती हैं। नॉर्मल लोग जो जो काम कर सकते हैं वो भी आसानी से उन सभी चीज़ों को कर सकती हैं। माउंटेनियरिंग वॉज द ओनली ऑप्शन, इट वॉज द ओनली ऑप्शन वेयर देर वर नो चांसेस ऑफ सेइंग सॉरी। इफ़ यू कमिटेड अ मिस्टेक लाइफ वुड बी द वन सेइंग सॉरी टू यू, शी सेज। और उन्होंने, मैंने कहा जब मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी तब मुझे सबसे अच्छा जो विकल्प दिखाई दिया वो है पहाड़ को चढ़ना, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पर अगर यहाँ थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठेंगे। यहाँ सॉरी का कोई विकल्प ही नहीं है, आपको पूरा जी जान से जुट जाना पड़ता है। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में वहीं पर जो है पूर्ण विराम लग जाएगा। लेटर इन 2011 अरुणिमा गॉट इन टच विद बचेंद्री पाल एंड बिगेन ट्रेनिंग अंडर हर। और बाद में अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद वो बचेंद्री पाल से मिली और उनके अंडर में ट्रेनिंग हासिल करने लगी। फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स शी ट्रेन्ड कंटिन्यूसली, देर वॉज नो संडे, नो दिवाली और नो होली फॉर हर। अगले दो साल तक अरुणिमा ने कठिन और कड़ी मेहनत की, एक तरह से कह सकते हैं कि तपस्या ही की। ना उन्होंने कोई त्यौहार मनाया, ना वो किसी और काम के लिए हिलती, उनका पूरा ध्यान केवल माउंटेनियरिंग के ट्रेनिंग पर ही केंद्रित था। नथिंग कुड वेवर हर फ्रॉम हर गोल, हर फर्स्ट फीट ऑन द वे टू समिट वॉज ब्रॉट विद इंजुरी।
She was so happy to have reached the base camp that she lost her balance and fell to the ground, injuring herself in the process. Mistakes, in fact, came and went on her way to the top. अब पहले अटेम्प्ट में जब अरुणिमा चढ़ी तब वो बेस कैंप तक पहुंचते ही इतना खुश हो गई कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई और उसकी वजह से उन्हें इंजर्ड होना पड़ा। ये उनकी एक गलती थी जिस गलती ने उन्हें सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपना संतुलन नहीं खोना है या आपको किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, बैलेंस मेंटेन करना है, संतुलित व्यवहार करना है। There were many points in the trek where there were no ladders to support her to the other side of the wide gap. She was forced on such instances jump across gap if she missed would have ended the life. Once she came across a point where her legs gave up. अब ऐसे कई पॉइंट्स थे जहाँ उन्हें जंप करना पड़ता था। अगर थोड़ा भी वो कम या ज़्यादा जंप करेंगी तो वो सीधे खाई में गिर जाएंगी और वहीं पे उनका जो है एंड हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आया करते 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 वो लिटरली थक गई और उनके पैरों ने उनका साथ देना छोड़ दिया। शी क्रेप्ट टू द ग्राउंड व्हाइल पीपल बिहाइंड हर इन द क्यू मेड अ फस अबाउट द डिले। अब क्योंकि उनके पैरों ने साथ छोड़ दिया तब उन्होंने क्या किया, वो रेंगते हुए ग्राउंड पे चलने लगी और जो उनके पीछे थे, अकेले तो वो समिट पे चढ़ नहीं रही थी, डेफिनेटली और भी टीम मेंबर्स थे, उन लोगों ने अरुणिमा के धीरे धीरे चलने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है शिकायत करनी शुरू कर दी कि क्या ज़रूरत थी आने की, हमें भी टाइम लग रहा है, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, इनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे एंड वॉट नॉट। एज सिन्हा प्लेस्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द क्यू ही चार्ज अहेड ओवरटेकिंग मेनी इन द प्रोसेस। तो इस केस में एक मैन मतलब एक इंसान ने टीम में उनकी मदद की, उन्होंने अरुणिमा को साइड हटाया और दूसरे लोगों को आगे बढ़ने दिया, लेकिन वो खुद आगे नहीं बढ़े, वो अरुणिमा को साथ लेके आगे बढ़े, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अरुणिमा को साथ बढ़ते हुए जो लोग पहले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे या बातें कर रहे थे उन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। अ लिटिल अहेड द मैन हु वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट वॉज हिट बाय अ स्मॉल आइसिकल एट द बैक ऑफ हिज हेड। ही फेल टू द ग्राउंड ब्लीडिंग फ्रॉम हिज हेड। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम ऑन द माउंटेन्स, says Sina while emphasizing the fact that certain things like helmets and gloves are absolutely necessary while climbing. अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से एक बर्फ़ का गोला आकर उस आदमी के सर पे लगा और उसके सर से खून बहने लगा और अरुणिमा देख के ये चीज़ चौंक गई। उन्होंने बताया कि हमें जब भी हम पहाड़ चढ़ते हैं कहीं से भी कोई भी खतरा आ सकता है, इसीलिए हमें अपने प्रिकॉशन के तौर पे हेलमेट्स और बाकी गैजेट्स को अपने साथ ज़रूर लेके चलना चाहिए। इट वॉज समथिंग दैट द मैन शुडंट हैव कम्प्रोमाइज्ड ऑन। ऑन द डे शी अटेम्प्टेड टू द समिट द माउंट एवरेस्ट, शी एंड हर शेरपा वर द फर्स्ट टू लीव द कैंप, बट एज टाइम वेंट बाय दे वर ओवरटेकन बाय मैनी। यानी जिस दिन फाइनल क्लाइंब था यानी शिखर पर पहुँचना था, उस दिन वो और उनके शेरपा बहुत पहले यानी बहुत ज़्यादा जल्दी निकले थे बाकी लोगों से, लेकिन क्योंकि अरुणिमा के पैरों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी तो इसीलिए धीरे धीरे वो पीछे होती चली गई और काफ़ी टीम मेंबर्स ने उन लोगों को ओवरटेक कर लिया, यानी टीम मेंबर्स जो है आगे बढ़ गए। डे लाइफ टू लेफ्ट देम बिहाइंड, यानी दिन कब रात में बदल गया पता ही नहीं चला। व्हेन शी एंड हर शेरपा वर क्वाइट नियर द समिट, ही प्रेजेंटेड हर विद सम बैड न्यूज़। Their oxygen levels were fast depleting and they had to come back the next day for another attempt. Finally, जब वो ऑलमोस्ट शिखर के पास पहुँच ही गए थे तब उनके शेरपा ने बताया कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है, हम लोगों का ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है और इस ऑक्सीजन के साथ ऊपर चढ़ना मुश्किल है, हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा ऑक्सीजन और अगले दिन फिर से चढ़ाई करनी पड़ेगी। I felt really bad at that time, but I knew I couldn't go back. I told to the Sherpa I wouldn't and even tried reasoning with him. When he refused to listen to me, I told him, fine, if you want to come, then come. Otherwise, I'll go on my own. The moment I said those words and placed the foot ahead, I found that my Sherpa was right behind me. After that, he never left my sight. 2 hours later, we were at the peak, says Sinha. So Sinha ne kaha ki मैं तो सुन के चौंक गई कि दोबारा वापस जाना, दोबारा आना, पता नहीं कल कैसा वेदर होगा, जो करना है आज ही करना है। तो मैंने मन में ठान ली कि मैं आज ही समिट कंप्लीट करूँगी। मैंने अपने शेरपा से कहा,
उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर शेरपा मानने को तैयार नहीं थे। तब अरुणिमा ने कहा कि अगर आपको वापस जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं तो आज ही चढ़ाई करूँगी। और जैसे ही अरुणिमा आगे बढ़ी, उन्होंने क्या देखा कि उनके शेरपा भी उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन था कि फिर से शेरपा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो अरुणिमा के साथ ही समिट तक चढ़े। शी स्टिल कैन फुली एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ स्पेंडिंग दोज फ्यू 6 to 7 मिनट्स ऑन द समिट, क्योंकि उनके ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, इसीलिए वो ज़्यादा देर तो रुक नहीं सकते थे, तो वो 5 to 7 मिनट वहाँ रुके समिट पर, जब वो शिखर पे चले गए। आई फेल्ट लाइक थ्रोइंग माई आर्म्स इन द ईयर्स एंड स्क्रीमिंग, शी सेज, आई वॉन्टेड टू टेल एवरी वन दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली टू दोज पीपल हु थॉट अ वुमेन एंड एन एम्प्यूट कुडंट डू इट। उनका कहना है कि मैं वहाँ से चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताना चाहती कि देखो एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और स्पेशली उन लोगों को जो लोग उनको विकलांग समझते थे या उनको कम समझते थे। आई टुक ऑफ माई मास्क एंड स्क्रीम्ड एंड माई शेरपा जस्ट स्टेयर्ड एट मी। इट वॉज हेयर वेयर शी ऑल्सो हैड एन एपिफनी ऑफ सॉर्ट्स, शी थैंक दोज हु मेड फन ऑफ हर एंड कॉल्ड हर क्रेजी। I used to feel bad when people called me crazy when I was on hospital bed and planning to climb the Everest. But now when people call me crazy about my goal, I feel happy. तो जब वो याद करती हैं कि जब मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और लोग मुझे क्रेजी, पागल, बुद्धू बोलते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे बुरा लगता था कि ये मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं या ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज जब वही लोग मुझे फिर से क्रेजी या बुद्धू बोलते हैं या पागल बोलते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। नाउ आई अंडरस्टैंड इफ पीपल से यू आर क्रेजी अबाउट योर गोल, दैट मीन्स योर गोल इज़ वेरी क्लोज। उनका कहना है अगर लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या फिर आपको बेवकूफ़ बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा है और आपका लक्ष्य बहुत नज़दीक है। इसीलिए हिम्मत हार के पीछे मत बढ़िए, बल्कि पूरी मन के साथ और हिम्मत के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाइए। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर वेयर वी हैव लर्न्ड अबाउट टू पीपल, वन बचेंद्री पाल एंड सेकेंड अरुणिमा सिन्हा। दोनों ही औरतें हैं और दोनों ने ही ये प्रूफ कर दिया है कि कोई भी चीज़ अगर हम मन में ठान लें और अगर तरीके से निष्ठा के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाएं, तो उस लक्ष्य को पाकर ही दम लेंगे और वो लक्ष्य आसानी से हमें मिल भी जाएगा। एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस टू अवर प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, इफ़ वी ओवरकम द चैलेंजेस डेफिनेटली वी आर श्योर टू विन एंड अचीव अवर डिज़ायर्ड गोल। ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ लेट्स गो थ्रू दिस ग्लॉसरी क्विकली विच हैज़ द वर्ड मीनिंग्स। हार्डशिप्स मीन समथिंग अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट दैट वी फेस, है ना, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट कंडीशंस ऑफ लाइफ। एडीज मीन्स अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ विंड और स्नो और वाटर, ओके। नैफ सेवन सिस्टर, नेशनल एडवेंचर्स फाउंडेशंस, दैट इज भागीरथी सेवन सिस्टर्स एडवेंचर क्लब, ये एक अलग फाउंडेशन है, इसका भी अलग से फ्लैग है। Amputated means having a part of body surgically removed, यानी operation करके body के एक part को body से अलग कर देना। Prosthetic means an artificial body part, ठीक है। Forced to reckon with someone who is strong and cannot be ignored. Indomitable means very brave and determined, यानी दृढ़ निश्चय के साथ जो इंसान काम करते हैं। Icicle means a pointed piece of ice, है ना, एक नोकीली, है ना, पीस ऑफ आइस जो फॉर्म होती है जब वाटर फ्रीज हो जाता है। एपिफेनी मीन्स अ सडन और सरप्राइजिंग मूवमेंट या मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस। सो वी विल डू दीज वन बाय वन, एक एक करके हम इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। So let's get started. First of all, we have MCQs. First question, Bachendri Pal was discouraged from taking up mountaineering as she did not have money to buy equipment. She was too old, that as a girl she was not strong enough. She had received no training as a mountaineer. Her parents wanted her to take up teaching. The second option is correct. सब लोगों का कहना था कि boys ज़्यादा strong हैं और लड़कियाँ ऐसे काम नहीं कर सकती, लड़कियों में वो ताकत या क्षमता नहीं होती।
Second, Bachendri Pal escaped the onslaught of icy winds by shielding herself from behind the mountain face, crouching against the wind, covering her face with mountain gear, deciding to return back. So B is the right, crouching against the wind. All right, let's move further. Third question is, Bachendri Pal bowed to Ang Dorje as he had invited her to climb with him, advised her to increase her oxygen flow, congratulated her on her second climb, encouraged and led her to summit. So second part, the last part, invited her to climb along with him for the summit. That is correct. Because wahi usko lead kar rahe the, unko aage aage Ang Dorje chal rahe the raasta dikhate hue. Fourth, Arunima took a vow to scale Mount Everest when the robbers threw her out of the train. As soon as the doctors amputated her leg, as she lay in the hospital bed after amputation, once she returned home after the treatment. So C, jab wo hospital bed par thi, unke pair ke katne ke baad. Fifth, there was no Sunday, no Diwali and no Holi for her. This means that she celebrated all holidays and festivals with equal enthusiasm. She did not celebrate any festival because of her accident. She worked hard without any breaks to achieve her goal. She was afraid of leaving her house, especially on a holiday. So C is correct. वो अपने लक्ष्य को इतना ज़्यादा महत्व दे रही थी, वो अपने लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहती थी, इसीलिए वो इतना परिश्रम कर रही थी कि उन्होंने छुट्टी त्यौहार सबको साइड में रख दिया. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. सर्टन स्टेटमेंट्स आर गिवन, हमें बताना है कि कौन से इसमें से सही हैं और कौन से इसमें से गलत है. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन, Growing up, Bachendri was a lazy child who liked keeping indoors. No, this is false. Bachendri हमेशा से ही बहुत ज़्यादा जो है energetic थी, वो हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी. Second, Bachendri's family was not very positive when she chose mountaineering. Yes, this is true. उनकी family को भी डर था, family members का यही मानना था कि लड़कियों के लिए mountaineering is not the right choice. Third, the first peak She climbed was the Black Peak. जो एक पहला चोटी उन्होंने क्लाइम किया था वो Black Peak था. This is also true. Yes, उत्तरांचल उत्तरकाशी में एक पीक है, ठीक है, जहाँ जिसे Black Peak के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने इसको क्लाइम किया था. Arunima's leg was amputated while climbing Mount Everest. No, this is false. No. Fifth, Sherpa did not support Arunima when she climbed up Mount Everest. This is also false. Sherpa ने oppose ज़रूर किया था, लेकिन बाद में Sherpa ने उनका पूरा पूरा साथ दिया और उनके साथ ही आगे बढ़े. All right, now let's come to fill in the blanks. First one, Arunima dash those who made fun of her. Arunima did not like those people who made fun of her. All right. Second, Arunima was a popular or a famous national level volleyball player. ठीक है, she was a national level volleyball player. Third one, Dash was the rope leader of Bachendri. Ang Dorje was the rope leader of Bachendri. Bachendri had full confidence in her stamina and climbing capability. All right. Fifth, it was Colonel Dash who motivated Bachendri for climbing. So let's recall once. It was Colonel Premchand. याद कीजिए, चैप्टर के शुरू में ही हमने ये नाम पढ़ा था, कर्नल प्रेमचंद, जिन्होंने पहली बार Bachendri को बताया था कि यू स्टे इन उत्तराखंड और यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं माउंटेनियरिंग सीखने, तो वाई डोंट यू ऑल्सो गो फॉर माउंटेनियरिंग. ओके, So these are the answers. I hope that you have understood these, and with this we finish up the chapter for today. So we come to an end for today's session. I will meet you again soon with a new chapter where we will learn something more interesting and innovative. So bye bye and take care. Stay tuned for the new video.